अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में बनाऊंगी चिकन गिज़र्ड की रेसिपी, जिसे हम पोटे भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आधा किलो चिकन गिज़र्ड यूज़ कर रही हूँ, एक बड़े साइज़ की प्याज, 6 अदद हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनका छिलका मैंने उतार लिया है। टमाटर को और मिर्चों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद लौंग, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याली पानी। सबसे पहले मैं टमाटर और मिर्चों को ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंडर में सबसे पहले मैं मिर्च ऐड करूँगी, इसे मैंने ऑलरेडी कट कर लिया था। टमाटर का जस्ट मैंने छिलका उतारा था, अब इसके मैं 2 पीस कर लूँगी ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सकें, और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। 1 प्याली हम इसके साथ पानी भी ऐड करेंगे। नॉनस्टिक पैन लूँगी, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर चिकन गिज़र्ड ऐड करूँगी, उसके बाद इसमें प्याज, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, टमाटर और मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाया है, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सी से मैंने अच्छे से कर लिया है, अब मैं इसके नीचे मीडियम फ्लेम कर दूंगी, और मीडियम फ्लेम करने के बाद इसे मैं कवर करके रख दूंगी गलने के लिए। 25 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रखा था, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन तैयार है, अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम इसके नीचे मैंने अभी भी मीडियम ही रखी हुई है। वैसे तो ये तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। आप इसे मसाला भून के भी बना सकते हैं, वो टेस्ट अलग होता है, लेकिन इस तरह इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है। 25 मिनट में तकरीबन ये बनके तैयार हैं, बस 2-3 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद भूनेंगे और फिर हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। 3 मिनट के लिए इसे मैंने भून लिया है, अब मैं इस पर कसूरी सूखी मेथी ऐड करूँगी, और ये ऐड करने के बाद हम इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे खुशबू के लिए, और फ्लेम इसके नीचे हम बंद कर देंगे। ये बन के तैयार है, मज़ेदार मसाले वाले चिकन गिज़र्ड बन के तैयार हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आपको भी पसंद आएगी। इस पर मैं थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी आप हर न्यू वीडियो से अपडेट हो सकें। अल्लाह हाफिज़।